दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 5, 7, कुछ भी हो, सबको सोल्व करने का दोस्तों एक सिंपल सा तरीका रहेगा। सर्वप्रथम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका टू डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए मैं 9 को लिखा, कितना 1 डिजिट नंबर, इससे जैसे हम आगे बढ़ें 10 आ गया आपका 2 डिजिट नंबर, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ओके, उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आपका 99 2 डिजिट नंबर, इससे आगे जैसे जाएंगे 100 1, 2, 3 आपका 3 डिजिट नंबर आ गया। तो ये आपको यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की रेंज है। अब यहाँ पे ये कंडीशन आपको चेक करनी है कि यानी डिविजिबल बाई 4 कौन से हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम अपना पता लगाते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाई 4 है। तो इसके लिए क्या करना है, अपना जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, कितना 2 हो गया, 8 आ गया, माइनस किया कितना 2 आ गया। ओके, अब देखिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, किताबों में आपका ऐसा दे रखा होता है कि ये जो 10 है, 10 में से जो आपका सेंस फल आया इसको घटा दो और हमने जिसका डिवाइड किया उसको जोड़ दो, कितना आएगा आपका 12। ये आपका फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है जो क्या है, डिविजिबल बाई 4 है। लेकिन इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जितनी बार डिवाइड हुआ इनको आपस में गुणा कर दो, कितना आ गया 8, इसमें अपना इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 12। जैसे आपको पसंद आया वैसे काम करो, ठीक है। जैसे फर्स्ट 2 डिजिट नंबर का पता लग गया तो इससे अगला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, यानी इससे अगला कौन सा नंबर होगा जो आपका 4 से डिविजिबल है, इसमें 4 को ऐड कर दो, कितना 16, उससे अगला फिर 4 को ऐड कर देना है, यानी 4 को ऐड करते जाओ और आगे आपके 4 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर आते रहेंगे। लेकिन हम यदि 99 तक चलें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें लास्ट 2 डिजिट नंबर को भी पता लगाना है कि 4 से कौन सा डिविजिबल होगा। तो देखिए इसमें हम अपना 4 का डिवाइड कर देते हैं, कितना 2 चला गया, 8 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 9 4 16 माइनस किया 3 आ गया। देखिए सेंस फल जो आया है इसको क्या करना है, माइनस प्लस, यदि यहाँ पे हम 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आगे 3 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। देखिए फर्स्ट में हमने प्लस क्यों किया था, क्योंकि हम उसमें से 10 में से जैसे अपना 2 माइनस किया था तो 8 आया था, ठीक है, एग्जैक्ट ये आपका 1 डिजिट का नंबर आ गया। इसको 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमने इसमें 4 को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे आपका जो माइनस करने पर आ रहा है ऑलरेडी ये आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर ही है, तो लेकिन इसमें यदि आप 4 को ऐड करेंगे आगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, ठीक है। तो लास्ट आपका 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाई 4 है, 96 है। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो, इनको आपस में गुणा कर दो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कितना आएगा 96 ही आएगा। ओके, कैसे भी समझो आपको समझना है। ये दोस्तों आपका क्या है, AP है, यहाँ लिख देंगे इट इज़ एन AP, ये आपका एक AP है, AP है, और ये सारे क्वेश्चन किसके द्वारा सोल्व किए जा रहे हैं, AP के द्वारा। अब ये AP कैसे बनी, यहाँ पे देखिए दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, इनके बीच 4, इनके बीच भी डिफरेंस 4, ऐसे जब आप आगे चेक करते जाएंगे तो सबके बीच का डिफरेंस 4 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है यदि ऐसे कोई सीरीज का, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपना AP कहते हैं। तो AP में हमें क्या मिलता है, इसका एक फर्स्ट टर्म मिलता है, तो वेयर फर्स्ट टर्म क्या है इसका, A बराबर, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 16 माइनस 12 कितना 4 आ गया, और इसका लास्ट टर्म कितना है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए आपका 96 है, और हमें N का वैल्यू पता करना है। अब दोस्तों जानते हैं कि आपका AP का nth टर्म कितना होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है, तो यहाँ पर मैं अपना an का वैल्यू रख देता हूँ, कितना 96, a का वैल्यू रखता हूँ कितना 12, n का वैल्यू हमें पता नहीं है, d का वैल्यू हम रख देते हैं 4। तो उसके बाद देखिए आप जानते हैं यदि इक्वल टू में इस साइड को संख्या प्लस किया उसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो मैं इसको दूसरी साइड लेके आ गया, तो ये आ गया 96 माइनस 12 कितना 4, 84, और यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई में है इसके साथ जो 4 मल्टीप्लाई में वो आपका किस में आ जाता है, दूसरी साइड आकर डिवाइड में आ जाता है, यानी कितना आ गया आपका
71 आ गया किसके इक्वल टू, n माइनस 1 के इक्वल टू। तो n इक्वल टू कितना आ गया देखिए दोस्तों, माइनस 1 को उस साइड लेके गए तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का, यानी n इक्वल टू आ गया आपका 22। तो यहाँ पर आपका 22 टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 है। ओके, ये आपका यहाँ पे क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। इसको आप लास्ट में ये लिखना ज़रूरी है कि 22 टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। धन्यवाद।